धर्मशाला मंडल भाजपा ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने नगर निगम में हुए कार्यों की जांच करवाने की मांग उठाई है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजेश कुमार, जिला महामंत्री यशपाल सबरवाल, मंडल महामंत्री विजय शर्मा और मंडल मीडिया प्रभारी अधिकांश डोगरा ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला की जनता भारी बरसात के कारण त्रस्त है और नगर निगम के डिप्टी मेयर व पार्षद काठमांडू में मस्त हैं। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि नगर निगम में सफाई के नाम पर लाखों रुपए की गड़बड़ी हुई है। मनोनीत पार्षदों ने जब सफाई टेंडर के बारे में जानकारी मांगी तो पता चला कि ना तो धर्मशाला में पूरे कर्मचारी हैं और ना ही उन्हें पहचान पत्र वितरित किए गए हैं। यही कारण है कि शहर में हर जगह कूड़ादान गंदगी से भरे रहते हैं और सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से निगम के कार्यों की जांच मांगी है। आज की जो प्रेस वार्ता थी उसका जो विश्लेषण है वो कांग्रेस के पार्षद काठमांडू में मस्त और धर्मशाला की जनता त्रस्त। आज हमें यहाँ पे आपके सामने यहाँ आना पड़ा कि जितने भी कांग्रेस के पार्षद हैं लगभग वो काठमांडू घूमने गए हैं और शहर में गलियां, लोगों के घर और सड़कें ढह गई हैं और वो अपने दौरे पे हनीमून मना रहे हैं। आज उनको यहाँ लोगों के साथ अपने क्षेत्र में कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए था। उसके बावजूद उन कांग्रेस के पार्षदों ने 6 महीने में कोई बैठक नहीं करने दी। हमारे मनोनीत पार्षदों ने मीडिया के दबाव बना के जो एक बैठक करवाई उसमें भी उन्होंने हमारे जो मिनट्स टू मिनट मुद्दे थे उनको काट दिया और मीडिया, यहाँ तक कि मीडिया के लोगों को भी दीर्घा में बैठने नहीं दिया गया। तो हमारे मनोनीत पार्षदों ने उनको कानून बताया और उन्हें सुझाव दिया और ये बोला कि मीडिया के और जो पब्लिक की सहभागीदारी है वो भी बैठक में ज़रूर होनी चाहिए और उसको बैठने दिया जाए। उसके बावजूद पूर्व में रहे मंत्री सुधीर जी कहते हैं कि मैं बहुत व्यथित हो गया। क्यों व्यथित हो गए? कि माननीय मंत्री श्री किशन कपूर जी उनके कांग्रेस के समय में दिए गए टेंडर की जाँच करते हैं, करवाते हैं और ठेकेदार को कहते हैं कि आप बेईमानी छोड़ के ईमानदारी से काम करिए, इसलिए उनका मन व्यथित होता है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो शहर के लोगों ने उन्हें और गांव के लोगों को गुमराह किया था कि जब स्मार्ट सिटी आएगी तो साथ में ली हुई पंचायतों के लोगों को भी स्मार्ट सिटी में शामिल किया जाएगा, वो उन्होंने क्यों नहीं करवाई? उस समय कांग्रेस की सरकार में वो नंबर 2 के मंत्री थे, अच्छी पैठ रखते थे, क्या वो इस काम को नहीं करवा सकते थे? मगर उन्होंने जानबूझ के ये रोटियां सेकी, राजनीतिक रोटियां सेकी और लोग भागीदारी हो। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए धर्मशाला से पवन शर्मा की रिपोर्ट।